जन आशीर्वाद यात्रा बनी जन परेशान यात्रा। कामकाजी लोगों के लिए जन आशीर्वाद यात्रा बनी मुसीबत। लोगों को कई किलोमीटर चलने के बाद भी नहीं मिले ऑटो व बस। हाथों में भारी सामान लिए लोग पैदल चलने को हुए मजबूर। सर्वाधिक परेशानी कामकाजी महिलाओं और रोजमर्रा में ऑटो व पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने गुरुग्राम पुलिस ने पुराने शहर के बड़े हिस्सों को बैरिगेटिंग लगाकर किया गया ब्लॉक। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा भारती। क्या हर रोज पैदल चलना पड़ता है? नहीं, आज ही चलना पड़ रहा है। क्या कारण बता रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि रैली की वजह से ऑटो नहीं चल रहा, ऑटो सेवा में नहीं, इन्होंने बंद कर रखे हैं जबरदस्ती। तो तमाम महिलाओं के लिए यही दिक्कत है, यही परेशानी है? सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है, सभी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, देख लीजिए आप। तो मैं बस स्टैंड से पैदल आता हूँ सोना चौक। कहाँ जाना है आपको? हयातपुर जाना है मुझे। तो कोई व्यवस्था नहीं है क्या? व्यवस्था नहीं है। ऑटो नहीं चल रहे हैं क्या? बिल्कुल ऑटो नहीं चल रहे। हमें भी सर सहते जाना है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कम 15 किलोमीटर है। तो क्यों, क्या व्यवस्था जो की गई है ठीक समझते हैं? व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और जो व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये किया जा रहा है ये ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं है। कितने लोग परेशान हैं? बहुत लोग, बहुत पब्लिक परेशान है। सब परेशान सर, एक बार कैमरे घुमा लो, इधर देख लो सर, बहुत पब्लिक परेशान है इस चीज से। आप कहाँ से आ रहे हैं पैदल? सर मैं भी आ रहा हूँ इधर, ऐसे तो एमजी रोड से आ रहा हूँ, बट यहाँ से पैदल ही मैं। जाना कहाँ से? जाना कहाँ? जाना मैं कादीपुर है सर। कोई व्यवस्था नहीं? कुछ नहीं सर जी, बताया लोग वहाँ पे, एक तो और कोई बाइक वाला भी जा रहा लोग, उनको भी ये लोग नहीं जाने दे रहा, हम लोगों को तो कोई बात नहीं। और देखिए सर, पसीना से आदमी को दिख रहा है ना सर, कैसे हुआ पड़ा है सकल। और यहाँ पे भी देखिए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे मिल जाएगी, वो जो चौक है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी बोल रहे हैं सर आधा घंटा और यहाँ से कह रहे हैं आगे जाओ। गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट। इसी प्रकार की खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए ESTV।